राधे राधे दोस्तों, हम आए हैं बरसाना राधा रानी का दर्शन करने। दोस्तों, श्री राधा रानी का जन्मदिन के बारे में बताएंगे दोस्तों। और हम बता दें, श्री कृष्णा जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पूर्व मनाया जाता है। इसके अनुसार राधा रानी अष्टमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। दोस्तों, इस मौके पर आप बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर पर दर्शन कर सकते हैं दोस्तों, जो कि हम आप सबको दिखाएंगे, लाइव दर्शन कराएंगे। और आप हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और हमारे चैनल को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे भी शेयर करें दोस्तों, जिससे हमारी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर देना दोस्तों। तो हम आइए, आपको दिखाएंगे राधा रानी का संपूर्ण दर्शन कराएंगे दोस्तों। हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। अभी दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हो आप कितना भीड़ है। और ये रहा बरसाना राधा रानी का मंदिर दोस्तों, जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ था। आप देख रहे हैं कितना भीड़ है यहाँ पे। तो आगे चलिए, गेट खुल गया दोस्तों, हम दिखाएंगे अंदर जाकर अभी राधा रानी का मुख्य द्वार। दोस्तों, हम बस पहुँचने ही वाले हैं, आप बने रहिए चैनल पर हमारे। तो दोस्तों, हम अंदर पहुंच चुके हैं और यहीं राधा रानी के लोग सब बहुत दर्शन कर रहे हैं। हम भी कर चुके हैं दर्शन दोस्तों। और देखिए यहाँ पे कितने भीड़ हैं, लोग कितने प्रसन्न हैं। यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से राधा अष्टमी मनाया जाता है दोस्तों, जो कि पूरे साल में एक बार मनाया जाता है 4 सितंबर को। दोस्तों, आप भी आना घूमने, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों, और कुछ हम दिखाते हैं आप सबको बाहर चल के आगे, बस थोड़ी देर में चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम चलते हैं बाहर का नज़ारा दिखाने, जो कि बहुत ही भव्य और दिव्य दिखता है ऊपर से दोस्तों। 2 महले से ऊपर 200 सीढ़ी के ऊपर से पहाड़ पे चढ़ के आना होता है दोस्तों, यहाँ पे दर्शन करने बरसाना में। और ये देखिए आप, कितना अच्छा व्यू है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, कितना अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। लाडली जी महाराज का मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर आप भी आना घूमने, बहुत अच्छा धाम है दोस्तों। आगे बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कर देना। और दोस्तों, यहाँ पर एक बार लस्सी ज़रूर पीना दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है।